अगर आप भी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए खरीदारी पर मिलने वाले आकर्षक कैशबैक ऑफर का इंतजार करते हैं, बहुत ज्यादा कैशबैक या फिर सस्ते दामों में महंगा सामान खरीदने के ऑफर तलाशते रहते हैं, तो ये खबर आपको सावधान करने के लिए है, क्योंकि CNN न्यूज 18 ने एक ऐसे वॉलेट स्कैम का पर्दाफाश किया है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। CNN न्यूज 18 की जांच में पता लगा है कि टॉक चार्ज नाम की एक कंपनी ने इसी तरह के लुभावने ऑफर देकर करीब 5,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। इस टॉक चार्ज नाम की कंपनी के फाउंडर अंकुश कटियार हैं। दावा किया जा रहा है कि इस कंपनी ने शुरुआत में ग्राहकों को शानदार ऑफर दिए और जब लोग इन पर विश्वास करने लगे तो कंपनी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया और कई लोग उनके धोखे के शिकार हो गए। सर, करीब मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार और मेरा खुद का मिला के अगर देखा जाए ना तो करीब टोटल वॉलेट बैलेंस 1.19 CR मेरे को अगर पैसा नहीं मिला ना तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मेरे सर 4 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं, बुजुर्ग माँ बाप है, भाई है, छोटा भाई है, वो अभी तैयारी में लगा हुआ है। कमाने वाला मैं अकेला हूँ। अब 9 लोगों का परिवार साथ में है सब कुछ, और बैंकों की EMI भी दिक्कत में है सर, बैंक भी फोन करने लग गए हैं। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।